चमोली जनपद में देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत गोपेश्वर महाविद्यालय में शुक्रवार को दो दिवसीय बूट कैंप का आयोजन किया गया। आयोजित बूट कैंप कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए प्राचार्य प्रोफेसर कुलदीप नेगी ने कहा कि सरकारी नौकरी की घटती हुई संख्या को देखते हुए युवाओं को अब उद्यमिता की ओर कदम बढ़ाने शुरू करने चाहिए। बूट कैंप कार्यक्रम में शामिल उद्यमिता विशेषज्ञ सुमित कुमार मिश्रा ने कहा कि उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन समेत होम स्टे की अत्यधिक संभावनाएं हैं, इसीलिए युवाओं को इस दिशा में अपने विचार विकसित करने चाहिए। इसी क्रम में बूट कैंप कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर रोहित वर्मा ने बताया कि युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता की ओर मुड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार ने देवभूमि उद्यमिता योजना शुरू की है, जिसमें युवाओं को ब्याज मुक्त आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। चमोली से संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। ये कार्यक्रम जो है ये बच्चों को बड़े उनको उद्यमिता की तरफ ओरिएंट करने के लिए किया जा रहा है और हम ये चाहते हैं कि बच्चे उद्यम या उद्यमिता को जैसे कैरियर ऑप्शन कनेक्ट करें। उसके लिए यहाँ पर IDI अहमदाबाद से एक्सपर्ट आए हैं, सुपर एक्सपर्ट भी हैं और मनोजी जी वो भी अपना डॉक्यूमेंट दे रहे हैं और जिससे हम चाह रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो एक तरह से व्यापार बिजनेस की तरफ भी सोचें